चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक किसान अपने खेत का काम करके घर जा रहा था और शाम भी हो रही थी और कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। रास्ते में जाते वक्त उसे एक पुरानी हवेली मिली। उस पुरानी हवेली से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई, कोई है, मुझे मदद करो प्लीज़। ये आवाज़ सुनकर किसान को लगा कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो बिना सोचे किसान उस लड़की की मदद करने के लिए वो हवेली में चला जाता है। हवेली के अंदर जाते ही उस हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। किसान ये देखकर काफ़ी डर जाता है। हवेली के अंदर काफ़ी अंधेरा था और कुछ आवाज़ें आने लगी, तुम इस हवेली के अंदर तो आ गए हो पर वापस कभी बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। यह आवाज़ सुनकर किसान डर जाता है और आगे की ओर बढ़ता है तो उसे वहाँ तीन दरवाजे मिलते हैं, पर इस दरवाजे के पीछे खतरा होता है। पहले दरवाजे के पीछे एक ज़ोंबी है और दूसरे दरवाजे के पीछे एक वेट है जो कि ऊपर नीचे हो रहा होता है। अगर वो दूसरे दरवाजे के अंदर जाता है तो वेट उसे कुचल देगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे एक डार्क रूम है और उसके आगे कोई बाहर जाने वाला रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इस किसान को बाहर निकालने के लिए मदद कर सकते हैं कि उसे कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? इसका आंसर थोड़ा लॉजिक टाइप का है तो आप लोग इसे बिल्कुल आसान भी नहीं समझना। तो इस सीन को ध्यान से देखिए और आपका दिमाग लगाइए और आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसान पहले दूसरा वाला डोर ओपन करेगा और तुरंत से किसान पहला वाला डोर खोल देगा और वो किसान तीसरे वाले डोर में छुप जाएगा और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेगा और पहले डोर से बाहर आएगा और वो दूसरे डोर में चला जाएगा तो वो वहाँ वेट के नीचे कुचल जाएगा। उसके बाद किसान उस डोर से बाहर आएगा और फर्स्ट वाले डोर से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का आंसर दिया था तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, ये एक इमोजी पहेली है। इन इमोजी को देख के आपको मूवी का नाम गैस करना है। इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस इमोजी से मूवी का नाम गंगा जल बन रहा है। ये है गन, ये है गा और ये है जल, तो हुआ गंगा जल। चलो अभी ये लास्ट वाली इमेज में से ये ऑड वाली इमोजी ढूंढ के दिखाओ और आपको नीचे कमेंट में बताना ही है। ये देखिए, ये रही ऑड इमोजी। तो क्या दोस्तों, आपने सारे के सारे ऑड इमोजी ढूंढ लिए थे? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा और आपको बतानी है कि उनमें क्या गलतियां है। तो अभी ये इमेज देखिए और इसमें एक गलती ढूंढ के बताइए और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
क्या आपको इसमें मिस्टेक मिला? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। वो एस्ट्रोनॉट मून पे खड़ा है। तो अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे भी एक मून है। तो अगर आप मून पे होगे तो आपको पीछे मून नहीं बल्कि वहाँ पे अर्थ दिखेगा। और मून पे खड़े होकर मून कैसे दिख सकता है? यही इस पिक्चर की मिस्टेक है। क्या आपने ये बता दिया था? एक जेल का कैदी भागने के फिरासत में था। टाइम मिलते ही उसने टॉयलेट में से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। पर कैदी को पता था उसे आगे जाकर एक टॉयलेट की गंदगी मिलेगी और एक तरफ तो एक टंकी है जिसमें पॉइजन गैस भरी हुई है। अब वो कैदी नीचे जाके बिल्कुल ही फंस गया है। कैदी को किसी भी तरह से उस जेल से भागना था पर कैदी तो बिल्कुल फंस गया है। अगर वो इस तरफ से सुरंग बनाता है तो उस गंदगी के बांस से दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है। तो अगर उस तरफ से वो सुरंग बनाने जाता है तो उस जहरीले गैस की वजह से उसकी जान जा सकती है। तो दोस्तों, आखिर क्या आप बता पाएंगे कि इस कैदी को भागने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर बहुत ही लॉजिकल है। बस आपको इस सीन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो अच्छे से सोचिए और हमें बताइए कि जेल में से कैदी कैसे भाग पाएगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, वो कैदी थोड़ी और नीचे से सुरंग बना सकता है और इस तरह से सुरंग बनाते हुए वो इस जेल से बाहर निकल सकता है। बस उस कैदी को थोड़ी और मेहनत लगेगी पर इससे वो बाहर जा सकता है। वैसे इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।